Hi guys, welcome back to my channel. It's me and I hope you guys are doing absolutely fine, good and better. So, if you are new here, then नाम तो पता चल ही गया होगा. मैं बता देती हूँ, कल ही मेरे बोर्ड खत्म हुए हैं. आज मैं ये गाइडेंस टाइप का वीडियो लेके आ गई हूँ. सो और अगर आप 12th पास हो चुके हो, मतलब अभी जिसका भी 12th खत्म हुआ हो, तो मैं बता दूँ, परसों या नरसों से डेली रेगुलर ब्लॉग्स शुरू होने वाले हैं. CUET की प्रेपरेशन हम साथ में करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी नई अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली हैं. चलो शुरू करते हैं. वेरी बेसिक, 12th में पढ़ाई कैसे करें, 12th स्टार्ट कैसे करें, 12th में कैसे पढ़ना होता है, एवरीथिंग. सो यस, शुरू करते हैं. तो सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगी कि पहले एक स्टोरी टाइप की सुन लो, उसके बाद मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊंगी. एक लड़की है जो समर वेकेशन में पढ़ ली थी सब कुछ, ठीक है, और उसने सब कुछ पढ़ लिया था 12th का, मतलब आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया था. और जब वो स्कूल आती थी, क्लासेस अटेंड करती थी, सो उसके डाउट्स क्लियर करने सिर्फ वो आती थी, और बाकी उसने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था. और वहीं एक लड़की थी जिसने समर वेकेशन में सिर्फ चिल मारा था, कुछ नहीं किया था, और पूरे जो यू नो ईयर वो रही ना, वो एकदम डिप्रेस्ड नहीं बोलूंगी, बट ऐसी सैड सैड सी रही, ठीक है, क्योंकि उसके चीज़ें नहीं हो रही थी. हाफ ईयरली यूनिट और यूनिट में, हाफ ईयरली में, टर्म में, किसी में भी मार्क्स नहीं आ रहे थे, और मतलब बहुत गंदा रिजल्ट था, ठीक. तो मैं बता दूं, समर वेकेशन का जो लोग यूज करते हैं ना, मुझे लगता था कि यार क्या करना है यार, मैं पढ़ लूंगी, मेरा मन, मैं जब पढ़ूंगी मैं करूंगी, मेरी चीजें होंगी, जो भी होगा. मैंने सब इग्नोर किया, जितने भी लोगों ने मेरे से बोली ना ये चीज. मैं अभी कल ही जस्ट बोर्ड दे के आई हूँ, उसके बाद ये एक्सपीरियंस चीजों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज इसको लाइटली मत लेना. ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए चलेगा, बट अगर आपका आने वाला एक साल सुधर जाता है, सो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी उसके लिए. जिसको परसेंटेज मैटर नहीं करता, वेल एंड गुड, मुझे भी नहीं करता, क्योंकि अब CUET आ चुका है. बट यू नो, एक थोड़ा सा मेरे अंदर है कि परसेंटेज थोड़ा तो आना चाहिए, कि ठीक है यार. तो ऐसा, सो भी अभी 12th में आए हैं या फिर 10th में आए हैं, मैं उनको बता देती हूँ, अभी समर वेकेशन आने वाले हैं. समर वेकेशन का जितना अच्छे से यूज कर पाओ उतने अच्छे से कर लो. कुछ मत करो एकदम ऐसे सोच के, मत चलो नहीं ये करना है वो करना है, नहीं, एकदम स्लो स्टार्ट करो, मतलब बिल्कुल आराम आराम से चीजों को स्टार्ट करो. सपोज 5 दिन में एक चैप्टर पढ़ लिया, बस ठीक है, हो गया, आराम से उसको पढ़ लो, ठीक है, उसके नोट्स बना लो. और मैं तुम्हें एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, नोट्स हम कभी इसीलिए नहीं बनाते, मतलब बहुत लोग बनाते हैं, बट मैं नहीं बनाती. और मैंने कई लोगों से भी सुना है कि वो नोट्स बना लेते हैं बट पेपरों के टाइम पे नहीं पढ़ते, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है, जितने बार हम लिखते हैं किसी चीज को, तो हमें उतना ज्यादा टाइम वो याद होती है. इसीलिए हम बोलते हैं जितने अच्छे नोट्स बनाओगे, तो फिर उन नोट्स से और दो चार बार, ऐसा समझ लो पूरे साल में अगर आप एक चीज को 10 बार पढ़ रहे हो, तो फिर वो कहाँ जाएगी यार, कहीं तो जाएगी, मतलब दिमाग में ही जाएगी ना, और कहीं तो जाने नहीं वाली. तो पढ़ना आपको ही है, कोई और पढ़ने तो आएगा नहीं, ठीक है. ये तो एक तो एक मिथ हटा ही दो. एक तो ये एक ऐसी एज है, मुझे लगता है, जहाँ पे हम इतने ज्यादा यू नो ऐसे डिल्यूजन बोल रहे हैं, फिर क्या बोल रहे उसमें चले जाते हैं कि नहीं भाई इतने नंबर तो आ ही जाएंगे, ऐसा तो हो ही जाएगा. हम बहुत लाइटली ले लेते हैं चीजों को. मैंने भी लिया है, बट अब मेरी चीजें थोड़ी मतलब पेपर देखने के बाद, जो पेपर आए हैं इस बार के, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का और साइकोलॉजी का, ये मेरे थोड़े से डिस्टर्ब हो चुके हैं, बट इतने भी ज्यादा नहीं हुए हैं, बट हाँ थोड़ा सा यू नो दो चार नंबर का हुआ है. सो मुझे लग रहा है कि मैं आपको शेयर करूँ कि आप, मैंने जो गलतियाँ की हैं वो आप ना करो. तो बताती हूँ मैं, नोट्स बनाने की अगर आपको हैबिट नहीं है मत बनाओ, बट आप जो बुक पढ़ रहे हो ना, उसको 4 से 6 बार पूरे साल में ऐसा ट्राई करो कि पढ़ ही लो, तब जाके चीजें क्लियर होंगी. और कोई भी चीज अगर नहीं बन रही है, सपोज आपने पहली बार अगर आप हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ोगे ना, क्लास 12th ह्यूमैनिटीज का बता रही हूँ, तो आपको लगेगा ये कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास में भाई कोई नहीं पढ़ता, मेरे को पता है 11th क्लास में मेसोपोटामिया एंड यू नो अर्ली एजेस वाली चीजें आती हैं, वो कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ ऐसे इंसान नहीं, मतलब बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और बस लिख के आ जाते हैं और पास हो जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता. बट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. किसी भी चीज को करने के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ऐसा सोच लो. और मैंने कहीं सुना है पढ़ाई करना कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं होता, पढ़ाई करना एक बोरिंग जॉब है जो कि आपको करना होगा. कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो एकदम परमानेंट होते हैं,
उन्हें अपने दिमाग में बिठा लो कि पढ़ाई करना बोरिंग है, इसको बार बार बोलने से बेटर है, अपने आप में समझ लो हाँ इट्स बोरिंग बट मुझे करनी है क्योंकि मुझे करनी है, ठीक है, बस ऐसे समझ लो। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ फाइन आर्ट्स का। फाइन आर्ट्स एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है पढ़ने में। 30 मार्क्स का उसका थ्योरी आता है और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। प्प्रैक्टिकल तो हम हटाई देते हैं क्योंकि 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स की जो थ्योरी आती है ना उसमें इतनी मोटी बुक होती है, उसको पढ़नी होती है। आप पी वाई क्यूज भी लगा लो, सब कुछ कर लो, बट ऐसा नहीं है ना कि हर बार जो क्वेश्चन आए वही रिपीट होने वाले, तो हम श्योर नहीं होते। मैं जो फाइन आर्ट्स का पेपर लेके आई हूँ, मैं जानती हूँ मुझे उसमें फुल स्कोर हो जाएगा, ठीक है, अगर प्रैक्टिकल में ना कटे हो तो। सो फाइन आर्ट्स का मेरा पेपर काफी अच्छा गया था। और ये अच्छा कैसे गया था मैं बताती हूँ। दोपहर के 3 बजे, मतलब दूसरे दिन मेरा 10:30 पे पेपर था, और एक दिन पहले ही दोपहर के 3 बजे मैंने क्या किया, मेरे से पढ़ी नहीं जा रही थी। मुझे अच्छा खासा गैप था फाइन आर्ट्स के लिए, मुझे 15 दिन का गैप होगा, बट मैंने नहीं पढ़े वो 15 दिन भी। मैं बहुत लेजी फील कर रही थी एंड एवरीथिंग, मेरा मेंटल स्टेट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, तो यही कह लो समझ लो जो भी है। तो मैंने उसको बस ऐसे मैंने अपनी फ्रेंड को मैं ऐसे पढ़ाने लगी, मैंने कहा चल तू भी पढ़ ले। तो मैं उसको वीडियो कॉल पर समझा रही थी टॉपिक्स को, और पता नहीं कैसे वो मुझे सब याद हो गया। बस मैंने ऐसे नॉर्मली जो जो मुझे लग रहा था कि अब भाई एक दिन है, अब एक दिन में मैं फेल भी नहीं हो सकती और टॉप भी नहीं कर सकती, मेरे दिमाग में ऐसा था। तो मैंने कहा सिर्फ मैं उतनी उतनी चीजें पढ़ूंगी जो मुझे लगता है कि आने वाली है। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर थे उनको उठाया और देखा, मतलब ऑब्वियसली मोबाइल पे ही देखा, तो उसको देखा और मैंने कहा कि ये चीजें आती हैं। मैंने पूरी पेंटिंग्स को एकदम अच्छे से पढ़ लिया, और सुबह जब मैं पेपर देने जा रही थी मैंने एक बार और पढ़ लिया, सब दिमाग में आ गया था। अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात हो गई कि हमने शॉर्ट टर्म में पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये मैं उनका बता रही हूँ जो ह्यूमैनिटीज के हैं, और जो कॉमर्स के हैं उनके लिए अकाउंट्स और बिजनेस, ये एक दिन में नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीज नहीं है, ठीक है। एक बात होती है कि चलो मजे मजे में शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने कैरी किया, उसको हम पूरा कर रहा है, ठीक है, बट अगर आप सोचते हो कि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले थे, सो मैं बताती हूँ आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले प्रोकेस्टिनेट करना बंद कर दो। प्रोकेस्टिनेशन से कुछ ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अपने आप को इस पूरे साल पॉजिटिव रखना शुरू कर दो। सबसे मेन पॉइंट है वो है पॉजिटिविटी। सबसे पहले अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी इंप्लीमेंट करो, उसके बाद 12th की शुरुआत करना, ठीक है। और दूसरी चीज ग्रेटिट्यूड, जो भी आपके पास है उसके लिए आप थैंकफुल होना शुरू कर दो। मतलब थैंक यू गॉड फॉर दिस पेन, थैंक यू गॉड फॉर दिस बॉटल, जो भी आपके पास है उसके लिए गॉड या यूनिवर्स जिसमें भी आप बिलीव रखते हो। सो सबसे पहले तो थैंकफुल होना शुरू कर दो चीजों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज अपने आप को ऐसे लोगों से कनेक्ट रखो, सराउंड करो जो आपको उस गोल में अचीव करवाने में हेल्प करे, ठीक है। ऑब्वियसली 12th क्लास तक आते आते मुझे लगता है मैं बहुत चलोगे बताती हूँ कि नहीं होता है लोगों का कि बहुत अच्छा ग्रुप है। आई हैव सीन पीपल जो कि स्कूल में अच्छे बन रहे हैं बट उनका ग्रुप बहुत गंदा है पीछे साइड, मतलब उनका ग्रुप बहुत गंदा है, वो बहुत अजीब से गंदा, इन द सेंस कोई गंदा नहीं होता बट ऐसा कि आप उनके साथ नहीं उठ बैठ सकते हो, ठीक है, ऐसा टाइप का बोल रही हूँ मैं। तो उन लोगों से सिर्फ मजाक के टाइम पर ही बात करो, ज्यादा किसी से ये सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं भाई एक ही जिंदगी है अभी मजे करने हैं। ऐसे थॉट्स भी आते हैं एक टाइम पे तो कि नहीं यार मैं ये क्यों कर रही हूँ, सब तो मजे मार रहे हैं, परसेंटेज तो आनी है, मैं क्या स्पेशल कर रही हूँ। ये सारे थॉट्स ना एक तरफ रखो, अभी उन सबको छोड़ो। तुम अगर स्टार्ट कर दिया ना, जो वो स्टार्टिंग वाला डेडिकेशन होता है ना उसको अगर आप पूरे साल रखते हो ना, आपकी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। सब कुछ शॉर्टेड है, आपका सब कुछ शॉर्टेड है। आप सारे डिस्ट्रेक्शंस को मतलब ऐसे समझो कि वो डिस्ट्रैक्शन ही है। मैं अगर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ किसी चीज में तो वो मेरे मजे के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ अब मुझे पढ़ना है तो अब मैं पढ़ लूँ, ठीक है, ऐसे नहीं। अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं पढ़ रही हूँ और मैंने बहुत पढ़ लिया मुझे डिस्ट्रैक्ट होना है तो फिर आप मजे कर सकते हो, बट अगर आप सोचो कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ अब मुझे पढ़ना है तो अब मैं पढ़ रही हूँ, मेरा जब मन लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ। ऑब्वियसली एक चीज और बोलूंगी, जितना देर पढ़ो पूरा फोकस के साथ पढ़ो। और एक चीज, कंसिस्टेंसी, रिविजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हो
और आपको याद ही नहीं है कि आपने उसमें पढ़ा क्या था, तो वो मतलब ही नहीं होगा ना पढ़ने का, मतलब क्या ही मतलब होगा फिर तो पढ़ने का। मैंने भक्ति सूफी ट्रेडिशन के मेरे सेट 3 आया था कल हिस्ट्री में परसों, तो मैंने वो चैप्टर एक बार पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में। वो चैप्टर मुझे पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं था, तो मैंने नहीं पढ़ा। पसंद नहीं मतलब मुझे थोड़ा सा टफ लगता था, जो भी है। सो मैंने उसको नहीं पढ़ा। पेपर में 16 मार्क्स के क्वेश्चन आए भक्ति सूफी से, 16 मार्क्स के। ये बुक 2 का सेकेंड चैप्टर है, आप लोग देख लेना, ठीक है। 16 मार्क्स कुछ होते हैं भाई, सीधा डायरेक्ट कबीर वाला एक क्वेश्चन आ गया, लाइफ्स एंड टीचिंग्स उनका, और अलवर्स और नयान आर्ट्स के बारे में आ गया। आई वाज लाइक कि मैंने ये नहीं पढ़ा था, मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। ऑल्दो मैं सब लिख के आई हूँ, जस्ट मैंने सुबह जब मैं पेपर देने जा रही थी तो मैंने भक्ति सूफी का एक रीडिंग दिया था, मैंने कहा चलो इसको रीड कर लेते। मैंने दिया और रीडिंग, और वो पेपर में आ गया। आई वॉज लाइक कि अगर इसको और अच्छे से पढ़ लिया होता तो मैं बहुत सारे की पॉइंट्स ऐसे लिख पाती जो कि आंसर डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको रिवाइज करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं बोल रही हूँ कि हिस्ट्री बोरिंग है, हाँ बोरिंग है, पॉलिटिकल बोरिंग है, हाँ बोरिंग है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको बहुत मेहनत लगेगी जब आप पहली बार पढ़ोगे। अगर आपको जनरल नॉलेज का आप फेमिलियर नहीं हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो। और हाँ लगेगी, क्योंकि बहुत ही नया सब्जेक्ट होता है। मैंने तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स रो रो के पढ़ी है, बहुत बार एक एक चैप्टर को पढ़ा है, इसीलिए मेरा पॉलिटिकल का पेपर शायद अच्छा चला गया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही उस सब्जेक्ट में मेहनत कर ली थी। और जिन सब्जेक्ट में मैंने स्टार्टिंग से ही मेहनत नहीं की, एंड के लिए छोड़ा, उनको डिले किया दिसंबर में, नवंबर में, सितंबर में, उन सबके मेरे पेपर थोड़े से हिल गए, बिगड़ गए। मैं खुद ही बता देती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर। इट जस्ट बिकॉज मैंने उस सब्जेक्ट पे, क्योंकि पॉलिटिकल में मेरे सबसे कम मार्क्स आते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में आए मेरे, मैंने सोचा कि इस पे मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैंने पूरा फोकस पॉलिटिकल पे ही डाल दिया, ठीक है। और मेरे साइकोलॉजी में अच्छे मार्क्स आते थे, तो मैंने साइकोलॉजी को थोड़ा सा पीछे कर दी गई। इतना पीछे किया उसको, इतना पीछे किया कि पेपर तक आते आते तो मुझे लग रहा था मुझे कुछ साइकोलॉजी में याद ही नहीं है। मतलब साइकोलॉजी इज नॉट एट ऑल इजी, मैं आपको ये चीज भी बता देती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, बट यस थिंग्स आर नॉट दैट इजी दैट वी थिंक कि इतना ज्यादा आसान है और आराम से हो जाएगा, नहीं होता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा शब्द है। 12th क्लास में मेरे जितने थोड़े बहुत झगड़े वगड़े हुए हैं दोस्तों से, उसके बारे में शायद एक अलग वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों वोस्तों से जितने झगड़े हुए हैं, जितनी इनसिक्योरिटीज मैंने फील की हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि वो सबके साथ ही होता है। हमें किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता, और हम पूरे टाइम ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें फ्रेंड मिल जाए, हमें कोई फ्रेंड मिल जाए, हम किसी से दोस्ती कर लें, हमारा कोई टाइम स्पेंड करवाए, टाइम मतलब ले ले, ऐसा हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। बट मैं बहुत जेन्युइन आंसर दूंगी इस चीज़ का, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो खुश होना तो यस, मेकिंग फ्रेंड्स इज गुड, अच्छी बात है, बनाओ, दोस्ती करो, सबके साथ घूमो फिरो जब करो, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट आर योर लिमिट्स। लाइक आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर 6 से 7 इस दोस्ती को समय दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो बस 6 से 7 ही रहे, वो चीज़ और ज़्यादा एक्सटेंड ना हो कि पता चल जाए अगले 2 दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरीज ही डल रही है कि गाइज हम यहाँ घूमाए, हम यहाँ घूमाए। क्योंकि देखो होता है, बहुत क्रेज होता है इंस्टाग्राम का, क्रेज जितना होता है ना 12th में, 12th तो आधी मेरी इंस्टाग्राम नहीं बर्बाद की, मैं बताती हूँ, बर्बाद कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छा हुआ है, सब ओके हुआ है, मेरे को इतना कुछ टेंशन नहीं है। बट जिनका आने वाला है गाइज, उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि शुरू से मेहनत करो, एंड के लिए बिल्कुल मत बैठो। एंड में किसी का कुछ नहीं होता, मेरा तो कुछ ही नहीं हुआ एंड में। बोलते हैं ना सितंबर से पढ़ लोगे तो 90%, दिसंबर से पढ़ लोगे तो 90%, गाइज नहीं होता है। आप समर वेकेशन का जितना यूज कर सकते हो ना उतना यूज करो। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, अगर नहीं मानोगे ना तो 1 साल बाद ये चीज फिर से सुन लेना। समर वेकेशन में हम जितना यूज कर, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो एक दिन पहले पढ़ के टॉप मार जाते हैं, वो एक्सेप्शनल चीज है भाई। अगर आप एवरेज बच्चे हो ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। और मैंने एक चीज और समझी कि हमें हर कुछ नहीं पढ़ना है बुक में से, ठीक है, इतना सारा सिलेबस हम याद नहीं रख सकते। प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चंस एनालाइज करो, अभी से एक शुरू कर दो कि क्या पूछना चाहते हैं। अभी तो खैर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा अगर आपने बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी,
एक काम करो, समर वेकेशन में जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना, उनके पास पीवाईक्यूज एक बार उठा के देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस को देख लो, हर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स याद रखो, अपने आंसर्स के कीवर्ड्स फ्रेम करो। पूर्वा दीदी की वीडियो से आप जाके देख सकते हो, सारे कीवर्ड्स बताती हैं। सिमरन दीदी की वीडियो से आप जाके देख सकते हो, स्टोरी फॉर्म में आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। और हर्षदीप कौर करके एक चैनल है, उस पर भी आप देख सकते हो, वो बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाती हैं एकदम बढ़िया स्टाइल में। तो काफी सारे चैनल्स हैं, अनीता मैम से भी देख सकते हो Adda247 पे, सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं ह्यूमैनिटीज के लिए। तो लास्ट में एक चीज बताती हूँ कि जैसे सीजन्स चेंज होते हैं ना, वैसे ही हमारे इमोशंस भी चेंज होते हैं, हर चीज रिवॉल्व करती है। हम कभी भी एक परमानेंट स्टेट में नहीं रह सकते, हम कभी भी स्टेट मेंटेन नहीं कर सकते। सपोज अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इस वीडियो को बनाने के बाद मैं रोना शुरू कर दूँ, हंसना शुरू कर दूँ, इट डिपेंड्स ऑन माय मूड, ठीक है? मेरे मूड पे भी डिपेंड करता है, और मैं कितना कंट्रोल करती हूँ अपनी चीजों पे उस पर भी डिपेंड करता है। ये वीडियो अगर मैं बना रही हूँ तो ये भी मेरा एक मैंने बहुत मोटिवेशन लाया हुआ कि मुझे ये वीडियो बनानी है, मुझे ये वीडियो डालनी है। तो ऐसे तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती, सो डोंट थिंक। अगर आपको, और ये 12th में हो गए, इस पूरे टाइम में ही आप देख लेना, आपको जितना मूड स्विंग्स होगा ना, उतना आपको शायद पूरे सालों में ना हुआ हो। मुझे लगता है 10th के बाद से मूड स्विंग्स इज वेरी कॉमन, बट उनपे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। होता ना कि यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस नहीं, यू स्ट्रेस में रहना है अपन को। यू स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस, जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेस होता है कि नहीं मुझे पढ़ना है ऐसा वाला। तो यू स्ट्रेस को फॉलो करो डिस्ट्रेस की बजाय। जहाँ पे डिस्ट्रेस पे जाओ ना, मुझे बस कमेंट डाल देना, मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको रिप्लाई करूँ भले ही, बट मैं रिप्लाई करूंगी गाइज, मैं जेन्युइन बता रही हूँ। अगर आपको सच में परसेंटेज मैटर नहीं करता तो आप उस चीज को छोड़ दो कि हो जाएगा, बिना एफर्ट्स के भी चीजें हो जाती है। क्योंकि पास तो देखो सभी हो जाते हैं, 20-20 नंबर स्कूल वाले दिलवा देते हैं और थोड़े बहुत यहाँ वहां से मिल जाते हैं। बट अगर आपको रियली बहुत अच्छा स्कोर करना है, 90%, 90 above, तो एफर्ट्स डालने होंगे। मैंने देखा है लोगों को एफर्ट्स डालते हुए, वन ऑफ माई फ्रेंड, शी वोक अप एट लाइक 4 AM एवरी सिंगल डे पूरे साल। वो 4 बजे उठी है, 3 बजे उठी है, 2-2 बजे उठी है। उस टाइम पे जब मैं मजे मारती थी, शी यूज टू वेक अप एट 4 AM। मैं सोचती थी भाई ये क्यों अभी से पढ़ रही है, पढ़ लेंगे। मैं सोचती थी अभी तो दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, फरवरी में पेपर। ऐसा मैंने काफी सारी मिस्टेक्स की हैं, तो मैं अपनी मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करने दे सकती, मत करो ऐसा। और इस वीडियो पे भी मुझे नहीं पता कि कोई देखने वाला भी है मेरी बकवास को, बट यस, थोड़ा सा मेरी तरफ से ये थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन, एक 12th ग्रेडर जो नए नए आए हो, कुछ भी डाउट हो। देखो अभी मुझे आपके क्वेश्चंस नहीं पता, बट मैंने अपने हिसाब से वीडियो बना दी है। आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को लिखो कमेंट में, और मैं सबके आंसर्स दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। सीयूटी की प्रेपरेशन हम साथ में करने वाले हैं, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, एंड टाटा बाय।